अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, वहाँ पर पहले से हमारा कोई MCD में कोई हमारा जनप्रतिनिधि था? हम शुरुआत कर रहे हैं, और जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप आक्षेप इस तरह से लगाइएगा तो हमारा हौसला कैसे बढ़ेगा? हम तो वहाँ काम करते हैं लोगों को जोड़ने का, लोगों के चीज़ों का समझने का, क्या समस्या है, क्या हमारे बारे में सोचते हैं, क्या वहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं। इसके लिए जब नब्ज टटोलने के लिए हम लोगों ने भेजा तो एकाएक आप चाह रहे थे कि वहाँ MCD में हमारा वहाँ पर पूरा जलवा हो जाएगा। जलवा नहीं हुआ है, आगे जलवा दिखाएंगे, शुरुआत किया है, इसकी चिंता मत कीजिए। जनता हम लोग की भावना और हम लोग का काम सब समझ रही है और आने वाले दिनों में ज़रूर जो आपकी अपेक्षा है उसको पूरा करें। रिजल्ट साफ साफ है और हमसे ज़्यादा तो आप लोग जानते हैं। आप भी बोलते हैं साफ है, बीजेपी भी बोलते हैं साफ है, दोनों की तरफ से नहीं। कुड़नी में हम लोग जीतेंगे और मतों का क्या अंतर होगा वो तो कैद है, लेकिन वहाँ की जनता ने जो जनादेश दिया है वो जनादेश JDU के पक्ष में है, महागठबंधन के पक्ष में है, और वहाँ काफ़ी मतों के अंतर से जीतना चाहिए। जो संभावना है, जो लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद मिला है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ। क्या है अभी तक ग्रामीण विकास से संबंधित और अन्य विभागों से संबंधित मामले हैं, स्वास्थ्य विभाग से भी संबंधित है, सड़क से भी संबंधित मामले आए हैं, जीविका से भी संबंधित मामले आए हैं, सभी विभाग से संबंधित मामले कुछ न कुछ आते रहते हैं। और जो नियम संगत है, जो विधि सम्मत है, उसके बारे में संबंधित अधिकारी को यहाँ से फोन किया जाता है और मामले निष्पादित होते हैं। इसलिए जन सुनवाई कार्यक्रम में लगातार लोगों का आना बढ़ रहा है, इस बात का प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के निर्देश पर जन सुनवाई कार्यक्रम पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं के लिए और जो और भी लोग आते हैं उनकी भी जन सुनवाई की जाती है और इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। यही बढ़ी हुई है समाज में, जिस प्रकार से काम बढ़ा है, जीविका की दीदियों को हम काम में लगा रहे हैं। आपने देखा है कि हॉस्पिटलों में खाना बनाने के लिए भी दिया है, आपने देखा है कि तालाबों का देख रेख के लिए भी दिया है, आपने देखा है कि कई और महत्वपूर्ण काम जीविका की दीदियों के माध्यम से करा रहे हैं। और जीविका की दीदियां आत्मनिर्भर हो रही है, 10,35,000 से ज़्यादा जीविका की दीदियां हमारे आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं, 1,50,00,000 के लगभग परिवार को हम लोगों ने जोड़ा है। ये आत्मनिर्भर हो रहे हैं और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने की दिशा में हमारी जीविका की दीदियां अहम भूमिका अदा कर रही है और आने वाले दिनों में रोजगार के लिए उनको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, जाना नहीं पड़ेगा, इस तरह का काम जीविका की। ये जो बात आप पूछ रहे हैं ये सदन के अंदर की बात है। जब सदन में इस तरह के कोई सवाल उठाए जाएंगे और जो नियम संगत होगा, जो बिहार विधानसभा के नियमा कार्य संचालन नियमावली में जो प्रावधान रहेगा, उसके हिसाब से उन प्रश्नों का सरकार जवाब देगी। किसी भी प्रश्न का जवाब सरकार देने के लिए तत्पर है, सक्षम है, और जो भी सवाल लाए जाएंगे उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन नियम के हिसाब से, विधानसभा के कार्य संचालन नियमावली के हिसाब से जब प्रश्न आएंगे तब उनसे ही पूछिए। हम तो ये बात ज़रूर जानते हैं कि सदन सबके लिए है, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष के विधायक हो, सबके लिए वो सदन है। और सदन के अंदर जो नियम है, नियमावली है, उसके हिसाब से अगर कोई प्रश्न लाते हैं तो उनका जवाब दिया जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो
चाहे विपक्ष के हो। नहीं, सवाल तो उठना चाहिए। सवाल अगर कोई घटना हुई है, कोई दुर्घटना होती है, तो सवाल उठना चाहिए। और हम सब के लिए, इस राज्य के वासी के लिए, इस राज्य के सभी नेताओं के लिए ये दुखद है। घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ा होगा। आगे भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए सरकार सचेष्ट है, सरकार लगातार काम कर रही है और इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसके लिए हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। कहने का मतलब है कि छिटपुट घटना हो रही है, वो हमारे लिए चिंता का विषय है। हम काफ़ी दुखी हैं, हम काफ़ी मर्माहत हैं। जो भी घटना होती है हम उसकी निंदा भी करते हैं, और जो लोग इस तरह के कृत कर रहे हैं वो बचने वाले नहीं हैं। कानून के हिसाब से उन पर कार्रवाई होगी, समय लग सकता है, चिन्हित होंगे और कानून के हवाले होंगे और उन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कोई भी व्यक्ति चाहे सामाजिक जीवन में हो, राजनीतिक जीवन में हो, चाहे कितने बड़े कद्दावर क्यों नहीं हो, कितने बड़े जगह पर क्यों नहीं हो, अमर्यादित टिप्पणी तो करना ही नहीं चाहिए। जबान से असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। जो लोग करते हैं उनके लिए जनता सोचेगी, जनता विचार करेगी। हम इतना ही कह सकते हैं कि जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, इस तरह के किसी के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनका भविष्य आगे अच्छा नहीं है, उसका जनता जरूर निर्णय लेगी।